कोडरमा एकीकृत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ सहाय की जन कल्याण संस्था के बी सहाय फाउंडेशन द्वारा आज पुणे झुमरी तिलैया नगर पार्षद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 ग्रिजली बीएड कॉलेज के निकट स्थित एलिफेंटा ग्राउंड में फुटबॉल खिलाड़ियों एवं युवा साथियों के बीच टी शर्ट का वितरण किया गया। वितरण कार्य पूर्व मुख्यमंत्री के बी सहाय के पौत्र सह कोडरमा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू ने किया, जबकि मुख्य रूप से कोडरमा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दिनेश सिंह, स्वयंसेवी संस्था के राजीव रंजन उर्फ पिंटू शुक्ला आदि उपस्थित थे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री सहाय ने बताया कि जिले के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ समाज के कमजोर लोगों को हर संभव सहयोग करने का प्रयास जन कल्याण संस्था के बी सहाय फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। भविष्य में भी संस्था द्वारा टी शर्ट, टोपी, मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री, खेल सामग्री का वितरण समय समय पर किया जाता रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पवन सिंह राजू, वीके सिंह, नीरज कुमार, संजय कुमार, हौरिल प्रसाद, कुंदन कुमार सहित वार्ड 19, वार्ड 22 एवं वार्ड 1 के खिलाड़ी व खेल प्रेमी उपस्थित हुए। जन कल्याण संस्था के बी सहाय फाउंडेशन के स्नेह कार्य हेतु निर्मल कुमार ओझा, आशीष पांडे, संजय सेठ, सुधांशु शेखर, सुमन, शैलेश कुमार सोलू, परेश कुमार सिन्हा ने धन्यवाद दिया है। कोडरमा से आरपी भारत, वीरेंद्र देव कुमार राम की रिपोर्ट। आज जन कल्याण फाउंडेशन के बी सहाय के द्वारा झुमरी तिलैया के इस इंटीरियर ग्राउंड में हम सब उपस्थित हुए हैं और हम लोग अपने के बी सहाय एकीकृत बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर हम यहाँ युवा साथियों, युवा बच्चों, खिलाड़ियों के बीच टी शर्ट का वितरण कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारे इस ग्राउंड को जो कि जीएम लैंड पड़ता है और ऐसे ही कई लोग ग्राउंड जो गैर मौजूदा ज़मीन में हैं, मैं कोडरमा के उपायुक्त और खेल पदाधिकारियों से भी हम निवेदन करें कि उन ग्राउंडों को एक स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए और युवा खिलाड़ियों के लिए खेल के लिए एक उम्दा मैदान कोडरमा जिला को दिया जाए। हमारा यह फाउंडेशन आगे भी युवा साथियों, खासकर बच्चियों के भी खेल के विकास के लिए उन्हें खेल सामग्री एवं ऐसे ही टी शर्ट्स वितरण करता रहेगी। जय हिंद, जय झारखंड।